शाह है शाह रहमती परवरदिगार है रमजान रमज़ान का जो महीना आता है ऐसे ऐसे वज़ाइफ़ और आमाल आपको बताने का जी चाहता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि आपको कौन से बताएं। लेकिन जो आज का अमल है वो छानबीन के बाद आपको बताया जा रहा है। ये रमज़ान के चांद देखने के साथ का अमल है। हमारी जॉब नहीं लग रही, रिस्क में कमी है, पैसा आता है जल्दी ख़त्म हो जाता है, किसी किस्म की बरकत नहीं है, कोई पैसा जमा पूंजी जमा नहीं होती, वो पूरा महीना अभी गुजरता नहीं है और पैसा जल्दी ख़त्म हो जाता है, हर किस्म की माली परेशानी आपको आती है, तो आज आपको ये अमल बता रहे हैं। ये अमल अगर आप कर लेंगे तो यकीन जाने पूरे साल आपको तंगी नहीं होगी। इसका मतलब है आपको रिस्क के हवाले से कोई परेशानी नहीं होगी। अगर दिल में तड़प और सच्ची लगन हो तो ये अमल करें। खाना पूरी करने के लिए ये अमल मत करें, उसका आपको ऐसा अजर मिलेगा कि आप इसका कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। आपने इस अमल में क्या करना है कि जब आपको चांद नज़र आए तो उसके बाद इशा की नमाज से पहले ये अमल करना है, यानी आज़ान नहीं होनी चाहिए। मगरिब की नमाज सुकून से पढ़ लें, मगरिब के बाद आपने ये अमल करना है। आपने एक मरतबा अव्वल और आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, उसके बाद सूरत फतह पढ़नी है। आपने ये सूरत 3 मरतबा पढ़नी है, उसके बाद आपने अपने मकसद के लिए दुआ करनी है। ये मुख्तसर सा अमल है, इसकी फजीलत कुछ यूँ है कि एक हदीस में आता है, सुलह हुदैबिया से वापसी पर मक्का मुकर्मा और मदीना मुनव्वरा के रास्ते में जब ये सूरत नाजिल हुई तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने बड़ी अजीब बात फरमाई कि आज रात मुझ पर एक ऐसी सूरत नाजिल हुई है जो मुझे दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा प्यारी है, ये है उसकी फजीलत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर जब ये सूरत नाजिल हुई हर चीज़ से प्यारी ये सूरत।